नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए लोग आ तो रहे हैं, लेकिन जब यात्रा करने की बात की जाती है, यहाँ पर टोकन की बात की जाती है, तो इस तरह से लोग जो लगभग वक्त जो है अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजे इन्होंने टोकन देना जो है वो बंद कर दिया है और ये कह रहे हैं कि टोकन है नहीं या है, कहीं ना कहीं टालमटोल जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। आखिरकार जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आज होटलों में रह रहे हैं, मोटा किराया जो है वो होटलों में देना पड़ रहा है, अब यात्रा करने आए हैं, अगर ये यात्रा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं तो कम से कम इनकी जो सुविधा है वो तो पूरी की जानी चाहिए, लेकिन ये सुविधा पूरी नहीं हो रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग कितने यहाँ खड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया है। इनसे पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन कुमार है। नितिन जी, कहाँ से यहाँ पे आ जाए, बात क्यों रही है? औरंगाबाद बुलंदशहर से हैं, बुलंदशहर औरंगाबाद यूपी से। दिक्कत ये है, हमारे साथ 60 बंदे हैं और उसमें 55 लोगों का हो गया, 5 लोगों का नहीं कर रहे हैं ये लोग। बाहर से बार बार गेट पे लाइन लगाते हैं और पीछे भगा देते हैं। कभी हम सुबह 3 बजे से यहाँ पड़े हुए हैं, हमारा बाकी सुबह 3 बजे से पड़े हुए हैं लाइन। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं होता होगा यहाँ? कोई भी नहीं होता है, हम सबसे पहले यहाँ होते हैं। कहा हमारा 55 लोगों का हो गया है, लेकिन 5 लोग रह गए, उनको भगा दिया गया है, हम इसी वजह से रुके पड़े हैं। बहरहाल देख लीजिए, 55 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, 5 की अगर 5 का ना होगा तो इनका जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में आएगा। ग्रुप की बात कर रहा हूँ, 3000 रुपये कमरे का मांग रहे, कहाँ देंगे हम? बतलाइए आप, 3 दिन से कितने दिन हो गया हुआ? आज एक 30 तारीख को आए थे हम, 30 तारीख से आज तक होटल में कितना खर्चा कर चुके हैं? मान के चलो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तक का खर्चा हो गया है पूरा साहब। 25 से 30 हज़ार जी, एक्स्ट्रा जी, एक्स्ट्रा बढ़ गया जी। तो ये क्या कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन? अब ये कह रहे हैं कल लाना, ये कल के लिए बोल रहे हैं। बताइए कितने दिक्कत का सामना कल कल करते हैं, दिन निकल गए 4। 60 आदमी का ग्रुप का एक साथ टोकन कटे, 55 की 60 तारीख की डेट डाल देते हैं, किसी को कहीं को, किसी को कहीं को, चलो वो बात अलग है। 5 आदमी को एक साथ में फिर 5 तारीख की डेट देते थे, ये यूपी से ही है, एम्बुलेंस से 60 आदमी को। जब आप वहाँ से चले थे तो आपने कोशिश नहीं की थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने? नहीं, बस का जो ग्रुप आता ना पूरे एक साथ रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाते वहाँ पर, किसी की डेट कहीं आती, किसी की डेट कहीं आती है, ये हाल देख लीजिए। कहीं ना कहीं दिक्कतों में ये सभी के सभी लोग हैं। आप भी कहाँ से? यूपी आजमगढ़ सर। यूपी आजमगढ़, हमारे सारे लोगों का हो गया है सर। आजमगढ़ का नाम बहुत सुना है जी, आजमगढ़ से हैं हम सर, हमारे सभी लोगों का हो गया है, 1 लोगों का यहाँ बजा हुआ है और जो कि इसी डेट का 5 तारीख का वो वहाँ सरस्वती धाम में चल रहा है और यहाँ भगा के छोड़ दे रहे हैं और सुबह 2 बजे से लाइन लगाए हुए हैं सब लोग, सुबह 2 बजे बिना खाए पिए। अब बताइए, गला भी बैठ गया है, सुबह डेली यही काम हो रहा है। पानी लेने के लिए जाते तो लाइन कट जाती है। अच्छा, पानी के लिए? हाँ, फिर से दोबारा लाइन लगाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन का हालात? जी जी बोलिए जी। ऐसी दुर्व्यवस्था है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था अच्छी नहीं है। कोई अधिकारी एडीएम साहब से मिलना कोई चाहे कि 55 आदमी का ग्रुप हो जाए, 5 नहीं है तो मिलने नहीं देते, अंदर जाने नहीं देते, नहीं अंदर नहीं बढ़ने देते। आप लोग देख लो, बात करके अब बढ़ने नहीं देंगे तो कोशिश करेंगे ना आपके लिए यहाँ पर। कोशिश करते हैं, मन की 5 आदमी का 8 आदमी का रहेगा, 50 आदमी का कोई बोल ले, अंदर लेने कोई आदि नहीं है, कोशिश हम करेंगे आपके लिए। जी सर, कोशिश करिए इन लोगों। हाल देख लीजिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालात है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं यात्रु बाहर से आया है, यूपी आजमगढ़ से बहुत लोग आए हैं और भी अलग अलग स्टेट से जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त यात्रा आती है, यानी कि यात्रा जो जम्मू कश्मीर में आती है पूरे देश भर में एक मैसेज जाता है, यहाँ से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पूरे देश भर से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया आप देख सकते हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, सुबह 3 बजे लोग सड़कों पे होते हैं यानी कि लाइन में लगते हैं, जब लाइन में बारी आती है तो ये इनका दरवाज़ा 2 बजे जो है वो बंद कर दिया जाता है, यानी कि 4 बजे का वक्त था, 2 बजे दरवाज़ा बंद है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खाना खाने गए हैं या कहीं घूमने गए ये मुझे नहीं पता, लेकिन यात्रु जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं फिर से लाइनों पर है। और मैं आपको बता दूँ, लगातार कोशिश इनकी यही है कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाए। इन्होंने पहले बताया 55 लोगों का ग्रुप था जिसमें से 5 लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुस्त लिहाजे से जो है यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। सुस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर अच्छे तरीके से काम रहा हो रहा था तो ये जो लोग सुबह 3 बजे से यहाँ खड़े थे कम से कम उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाती। चलिए, आपने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया 250 रुपये रजिस्ट्रेशन का, अब मैं उसमें बात नहीं करूँगा 250 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई थी तो 150 था, यानी कि 150 रुपये उसके कास्ट थी, अब 250 कर दी गया है
अब ये 100 रुपया एक्स्ट्रा किसकी जेब में जा रहा है? मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूँ जो मैंने थोड़े दिन पहले किया था, 100 रुपया एक आदमी का, तो कितनी यात्रा रोज यहाँ से जा रही है, कितने श्रद्धालु अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये मोटा मुनाफा, ये मोटा पैसा किसकी जेब में जो है वो जा रहा है? अब ये जो लोग इस वक्त कहीं ना कहीं लाइनों में खड़े हैं, इनसे पूछने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि लगातार ये लोग यहाँ पर अपने दस्तावेज जो हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर यहाँ पर खड़े हैं ताकि इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है। कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के? हाँ जी। कब खड़े थे सुबह से? सुबह तीसरी चौथी बार लाइन में लग रहे, बार बार भगा देते पापा। उधर 5 तारीख का हो रहा है, 6 तारीख का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्या ये दिक्कतें क्या आ रही, क्या पता नहीं क्या है, बार बार यहाँ से आते समझ नहीं आ रहा। वो 6 तारीख तक का रजिस्ट्रेशन डाला उनकी डेट पे, तो वो सबका 6 तारीख को भी हो रहा है, सुबह 4 बजे से लगे महाजन होल में भी हो रहा है, लेकिन यही नहीं कर रहे 5 तारीख का रजिस्ट्रेशन। पता ही नहीं, भगा देते डंडे मार के, भगा रहे नस्ता, बंद कर देते, भगा देते। हाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन की काम, तीन दिन में जाके हमें डेट 5 तारीख की दी गई है, अभी 4 वालों का चल रहा था, अब बोल रहे हैं वो करेंगे, करके देंगे, करेंगे वो, अभी क्या 4 तारीख वालों को लिया, 5 तारीख वालों को अब लेंगे। 4 और 5 का कंफ्यूजन चल रहा है, पहले 4 वालों को करेंगे ना पूरा, फिर 5 वालों को लेंगे वो। नहीं, अगर 4 वालों का कल ही किया होता तो आज 4 वाले थोड़ी ना आते यहाँ। नहीं करा, कल भी करा, कर रह गए थे, उसके बाद आज चालू करेंगे ना 5 वालों कर ले, पहले 4 तारीख वाले का कर लो जो इधर खड़े हैं, फिर 5 के स्टार्ट कर दो, हम तो खड़े रहेंगे शाम तक, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर तो अभी चल रहे हैं, करो तो सही। 4 वाले कौन कौन है यहाँ पे? 4 वाले अभी, 5 वाले, सारे 5 वाले हैं। आज कितने तारीख है? 4 तारीख पे वहाँ यात्रा चालू करने के लिए रजिस्ट्रेशन में देंगे ना, तो अभी सब मेडिकल हुआ पड़ा है, मेडिकल सब हुआ पड़ा। ये सभी लोगों, सभी जो लोग खड़े हैं इनको लाइनों से बाहर निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है जी, तो डेट आप निकाला जा रहा है ना, मैंने थोड़ी बोला आप तीन बार निकाला बाहर, अगर यहाँ पर अगर सारे दस्तावेज पूरे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन करवानी, वो बस लास्ट स्टेज रह रही है हमारी, तो ये लास्ट स्टेज में बाहर या किसी हो जाएगा, फिलहाल डेट कल की दे रखी है। देखिए मैंने पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर में जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी तो 150 यानी कि 150 रुपया जो 400 वो लिया जा रहा था, जेके बैंक से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर में, आज 250 रुपया लिया जा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो भी नहीं हो रही, लोग लाइनों में लगते ज़रूर हैं, सुबह 3 बजे भी आते हैं, लोग ये सोचते हैं कि मैं जितनी जल्दी आऊँगा मेरी इतनी जल्दी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। बहरहाल जो मेरे भाई ये बाहर से आए हैं, सभी के सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं दिक्कतों में यहाँ पर है, और लोग भी हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश। कहाँ से हो सर? गोरखपुर से आया सर, यूपी से सर, यूपी गोरखपुर से सर। क्या लग रहा है, होगी रजिस्ट्रेशन? सर मैं इधर 4 तारीख आया, 4 तारीख आज हो गया, मैं 2 तारीख आया हुआ हूँ, और मेरा वापसी टिकट भी 10 तारीख का है, मेरे पास पैसे नहीं है सर, 2 दिन 2 नाइट मैंने यहाँ लाइन लगाया, मेरे आज टोकन मिला, फिर भी मेरे को यहाँ से भगाया जा रहा है सर। यूपी गोरखपुर बाबा की नगरी? जी सर, योगी आदित्यनाथ की नगरी से है सर। और सर मेरा वापसी टिकट भी है सर, यहाँ पे यहाँ हम लोग 6 लोग हैं सर, पैसे हम लोग के पास खत्म हो रहे हैं सर, यहाँ इतनी महंगाई में सर। जब आते हो रिजर्वेशन करवा के आते हो कि हम जाएंगे दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तो सर सुस्त रवैया, इतना हमें पता होता तो मैं बाबा यहाँ आता ही नहीं सर, या सर दर्शन करने ही नहीं आता सर। यहाँ के LG मनोज सिन्हा साहब, ये आप ही के वहाँ से हैं, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और आप भी कहीं ना कहीं यूपी से हैं, आप ये देखिए आप ही के नगरी के लोग, आप ही के शहर के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सड़कों पे जो है वो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके लोग यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आपका दायित्व बनता है इनको प्योरिटी, इनको नहीं जो यहाँ पर आ रहे हैं सबको प्योरिटी जो है वो मिलनी चाहिए, यानी कि जब लोग 10 दिन का टूर बना के अपने घरों से निकल रहे हैं वो टूर जो है वो आपको कंप्लीट कराना, पिछली बार भी बहुत सी ऐसी गाड़ी 20 दिन हो जा रहे हैं सर, 10 दिन के लिए टूर करने आए, 20 दिन का खर्चा लेकर आए नहीं तो फिर हम सर कैसे करेंगे सर 10 दिन में? अब क्या लग रहा है सर? अभी तो उम्मीद आज का किए नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करेंगे सर? बिना दर्शन के वापस सर वापस तो जाना ही पड़ेगा सर, 10 दिन का टूर करके ले आए, बजट उतना ही लेकर आए तो सर हम 15 दिन 20 दिन यहाँ खाएंगे कैसे सर? एक इतना सारा रूम भाड़ा है, जम्मू में घूमे आप सर? कहीं नहीं घूमे, यहाँ से टाइम नहीं मिला सर, रात सर 11 बजे से हम लोग यहाँ सोए हुए थे, आज तो हम लोग नहाए नहीं है, 11 बजे से सर यहाँ पे सड़क पे सोए हुए थे सर, 2-3 बजे सोने के बाद आज टोकन मिला है,
दो दिन सोने के बाद गोरखपुर से जी, हम लोग सारे गोरखपुर के ही लोग। हम लोग ना जब खिड़की के पास पहुंचे तो बोला सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वो नंबर खत्म, लंगर बैठ रहा है जो खत्म हो गया। हाँ वो बोला को आज का 2000 कोटा पूरा हो गया, 3000 हो गया आज का, आज टोकन खत्म हो गया आज। अरे इनका था पैक पूरा खत्म हो गया। कहां गया राजू? मैंने मैं कूद गया था पूरा एकदम। सर हम लोग रात में पूरा लाइन में लगे थे। रात को आइए कभी देखिए यहां पे इतनी भगदड़ मस्ती। कितने बजे आप लाइनों में लगते हैं? 10 बजे ही लग जाते हैं, बिना खाए पिए पानी कुछ नहीं, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, टेढ़े तो टेढ़े बैठे रहो, सीधे कोई जगह नहीं मिलना है। ऐसा लग रहा नहीं है ये टोकन की जगह भर्ती चल रही है? कोई भर्ती नहीं, ये सारे खाली ये कर रहे हैं बस यहाँ पे, ये क्यों लिया परेशान यहाँ कर रहे हैं और सारा जगह हो रहा है। मेरे अभी रेडियो जो इतने हैं करा के महाजन में करा क्या क्या है तो माँ अभी महाजन में ट्राई किया। हाँ अभी किया था मैंने, अभी व्हाट्सएप मेरे पास है, आ गए बंदे उनका व्हाट्सएप। अभी महाजन में ट्राई कर रहा हूँ। हाँ मैं नहीं ट्राई कर रहा, मेरा पंचायत भवन लिखा हुआ है, मजबूर है, वहाँ नहीं जा सकते, वो लिख के दे रहे हैं। महाजन में 5 तारीख वाले सारे हो गए। अब यहाँ पे आइए मेरे पीछे, यहाँ पे आ जाइए। सर जी ऐसा लग रहा है ना किसी की भर्ती में। क्या बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनूप कुमार सिंह है, यूपी से हूँ। हाँ महाजन में 5 तारीख वाले सारे हो गए हैं और यहाँ पंचायत घर में, पंचायत भवन में जो 5 तारीख की नहीं कर रहे हैं, यहाँ लाठीचार्ज करके भगा दिए जाते हैं, बेइज्जती की जाती है यात्रियों की बहुत बुरी तरीके। मैं देखिए मैं आपके साथ हूँ जी, क्योंकि यहाँ के जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है ना, LG साहब जी, वो मनोज सिन्हा साहब है, वो आप ही के वहाँ से हैं। क्या मैसेज रहेगा उनको? उनको तो देखना चाहिए कि यात्रियों की सुरक्षा जो बाहर से पूरे भारत से आते हैं, लगाना चाहिए सामने, पूरे भारत से आते हैं, यहाँ पुलिस वाले उन पर यात्रियों पे हाथ चला देते हैं, डंडा चला देते हैं। झापड़ मेरे सामने कल एक बंदे को झापड़ मारा। हाँ आपने बोला। हाँ अगर वो मुझे मिल जाता तो हो सकता मैं उसकी वर्दी फाड़ देता, इतना तेज मारा था कान के नीचे कुछ क्या निकले। उसका फुटेज निकलवाया जाए कैमरे से, अगर मेरे महाजन सिन्हा साहब जानते हो। हाँ हाँ अगर आप ये देख लीजिए, आप यहाँ के LG हैं और कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया ये आप ही के वहाँ से वो लोग हैं जो आपको वोट तक देते हैं, आपकी पार्टी को वोट देते हैं। मैं वोट की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये आज यात्रा करने के लिए आपका काम है इन लोगों की मदद करना, क्योंकि श्रद्धा से ये लोग जब अपने घरों से निकलते हैं, पैसा खर्चते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो तब इनको यहाँ पर मिलता क्या है? धक्के और झापड़। क्या ये सही है? और जम्मू कश्मीर का क्या मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन धक्के मारती है, झापड़ मारती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। LG साहब अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो कोशिश ये कीजिएगा, ये जो लोग रात को 10 बजे ही लाइनों में लग जाता है, ये लग जाते हैं जब लाइनों में, तो इनको सुबह धक्के मार कर यहाँ से भगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि 2000 लोगों की यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी। अगर 2000 लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी तो बाकी लोग यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं ये आप खुद ही बता दीजिए। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।